अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको पता होगा ब्लॉगिंग के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके परफेक्ट कीवर्ड से रिलेटेड आपका डोमेन नेम होना और उससे रिलेटेड आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके अंदर भी डोमेन नेम मिल जाना। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ आखिर कैसे आप जनरेट कर सकते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड एक परफेक्ट डोमेन को जो कि अच्छा भी लगे लोगों को जब भी वो आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करें और साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ उनको आपको अवेलेबिलिटी मिल जाए। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर मुझे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर भी मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड डोमेन को डोमेन के नेम को सर्च कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है namemesh.com। यहाँ आप देख सकते हैं अपनी डिटेल दी गई है कि आपको न्यू शॉर्ट एक्स्ट्रा सिमिलर डोमेन्स जो है SEO रिलेटेड डोमेन्स जो है कॉमन डोमेन्स जो इस कीवर्ड से रिलेटेड होंगे वो सारा कुछ शो कर देगा। तो अब चलते हैं एक कीवर्ड को इसके अंदर डालते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आज मैं आपके लिए एक ऐसा कीवर्ड लेकर के आया हूँ जिसके अंदर कि इंडिया के अंदर भी CPC बहुत ज़्यादा है। अगर कंपेयर किया जाए अदर कंट्री का CPC काफ़ी ज़्यादा होता है पर इस कीवर्ड का इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है और आप चाहो तो इसके ऊपर एक माइक्रो निश वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस कीवर्ड का नाम है होस्टिंग। तो आप जाके इसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं कि कितना इसका CPC और इंडिया के अंदर इसका एक्चुअल CPC कितना है। तो सिंपली मैं करता हूँ जनरेट के ऊपर क्लिक। आप भी कर सकते हैं जनरेट के ऊपर क्लिक और चेक कर सकते हैं अपने खुद के डोमेन को उसका एक परफेक्ट डोमेन नेम जनरेट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट इसका रिजल्ट आ चुका है, यानी कि ऑप्शन के अंदर मैंने .com पे क्लिक कर रखा है। आप इसके अलावा कुछ और पे भी क्लिक कर सकते हैं और रजिस्टर के अंदर यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सारे के सारे डोमेन नेम प्रोवाइडर्स का। तो मैंने GoDaddy पे क्लिक कर रखा है कि अगर ये GoDaddy के अंदर अवेलेबल होगा तो ये शो कर देगा। .com मैंने क्लिक कर रखा है और हाइड रजिस्टर पे क्लिक कर रखा है, मतलब जो जो डोमेन इससे रिलेटेड हैं जो भी डोमेन नेम इससे जनरेट हुए हैं वो जो रजिस्टर्ड है वो शो ही ना करें, क्योंकि अपने को तो ओनली वही चाहिए जो कि अवेलेबल होंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉमन शो कर दिया, कॉमन के अंदर कुछ भी शो नहीं किया, सिमिलर इससे रिलेटेड शो कर दिया है, न्यू शो कर दिया, शॉर्ट्स एक्स्ट्रा, पर सबसे मेन जो है वो है SEO। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस कीवर्ड से रिलेटेड जिसने सारे के सारे जितने भी डोमेन नेम अवेलेबल थे वो शो कर दिए, इसने जनरेट कर दिया है एक बेहतर SEO से रिलेटेड जो भी डोमेन नेम थे उसको शो कर दिया है। SEO का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है कि इसके अंदर आपको आगे जाके जब इसका आप रैंकिंग करवाओगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और इसके अंदर देख सकते हैं मेन कीवर्ड हमेशा आया हुआ है, तो मैं इसमें से कोई एक जो कीवर्ड है उसका यूज़ करूँगा जो बेसिकली जो hostinginvest.com है। तो सिंपली मैं जाता हूँ नेक्स्ट वेबसाइट के अंदर जिसका कि नाम है namechk.com। मैं दोनों का नेम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डायरेक्टली क्लिक करके उस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं namechk.com है और यहाँ पे इसके सारा कुछ ऑप्शन दिखा रहा है कि किन किन प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, ये सब कुछ दिखा देगा इसके अंदर। यहाँ तक कि डोमेन नेम्स भी शो कर रहा है कि .com, .net इन सब के अंदर अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी शो कर दिया कि इनके अंदर इसका यूजर नेम है कि अवेलेबल है भी कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं hostinginvest.com, ओनली hostinginvest लिखते हैं और देखते हैं कि .com, .net के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। सिंपली मैं क्लिक करता हूँ सर्च के अंदर, तो देखिए इसने शो कर दिया कि .online GoDaddy के अंदर अवेलेबल है या .com, .net वगैरह जितने भी सारे अवेलेबल हैं, ओनली .online जो है वो अनअवेलेबल है और इसके लिए मुझे प्रीमियम पे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो यही हुआ। बाकी आप याद जाके देख सकते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर ओनली रेडिट को छोड़ के, इंस्टाग्राम को छोड़ के, प्रोडक्ट हट को छोड़ के बाकी सब के अंदर अवेलेबल है। बेसिकली अपने को जरूरत होता है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉगर, ईबे, वर्डप्रेस, इन सब के अंदर अवेलेबल है। तो आप चाहो तो hostinginvest.com का यूज़ करके अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और इसके ऊपर एक माइक्रो निश वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि इसका CPC बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपने ब्रांड का, अपना बिजनेस का नेम अगर सर्च करने के अंदर कोई दिक्कत हो रही थी, यहाँ एक ऑप्शन है BNG बिजनेस नेम जनरेटर, तो सिंपली आप इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। मैं इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं जनरेटर के अंदर ऑप्शन आता है ब्लॉग नेम जनरेटर, ब्रांड नेम जनरेटर, डोमेन नेम जनरेटर और भी बहुत कुछ ऑप्शन है, वो सारे आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपली डोमेन नेम जनरेटर के ऊपर और मैं वैसे ही सिंपली टाइप करता हूँ अपने कीवर्ड को होस्टिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्टिंग कीवर्ड से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे जो इसके अंदर डोमेन नेम शो कर दिए हैं और आपको काफ़ी सारे एक ऑप्शन मिल गया है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा अच्छा एक डोमेन नेम आपको लेना चाहिए। आप चाहो तो इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो Namemesh का यूज़ कर सकते हो और उसके बाद जाके namechk के अंदर जाके सारा कुछ चेक कर सकते हो कि कौन से डोमेन नेम के अंदर अवेलेबल है, .com अवेलेबल है, .net अवेलेबल है कि नहीं है, सोशल मीडिया के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। मैं इन तीनों वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और वेबसाइट के बारे में पता है जो कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट है किसी तरीके की डोमेन नेम को जनरेट करने के लिए और सारा कुछ चेक करने के लिए सोशल मीडिया के अंदर अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप वो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आपको ये वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको कोई सुझाव हुआ या आपका कोई क्वेश्चन है मेरे से तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने सारे कमेंट का जवाब बिल्कुल देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको कर सकते हैं लाइक, शेयर। अगर आपको वीडियो बेकार लगी तो कर सकते हैं इसको डिसलाइक।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।